नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे टिप्स आपके लिए लेकर आया हूं। तो स्टॉक है बर्जर पेंट। मंडे को इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें बाइंग करनी है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, आपको पॉजिटिव क्लोजिंग ही देगा। अब कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग के रूल होते हैं जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, उनको बता दूं कि आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि आप रिस्क कितना लेने वाले हो और आपको प्रॉफिट कितना चाहिए। ये चीज पहले डिसाइड करके चलिएगा, वरना अगर आपने ये चीज डिसाइड नहीं की तो आपको लॉस होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये कि आपको पेशेंस होनी चाहिए स्टॉक को लेने के बाद और स्टॉक को एंट्री लेने तक भी। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहता हूं कि डे हाई ये था, स्टॉक अगर एकदम से ऊपर चला जाता है जिस तरह से ये यहां पे चला गया और आपको एंट्री लेने का मौका नहीं मिलता है, फ्लिक करके स्टॉक चला जाए, समझ लो एक ही कैंडल में यहां चला जाता है, तो आपको उस स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। अगर आपको मौका मिलता है, स्टॉक थोड़ी देर रुकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये स्टॉक कुछ देर यहां पे रुका है, इसको कहते हैं साइडवे ट्रेंड हो जाना, एक सपोर्ट लेना, सबको एंट्री बनाने का मौका देना, तो आप तब एंट्री लेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रूल दोनों फॉलो करने हैं कि अपना रिस्क प्रॉफिट डिसाइड करके चलना है, और दूसरी चीज ये कि आपको वेट करना है अपनी एंट्री का। ये नहीं कि स्टॉक एकदम से भागा जा रहा है और आप उसके पीछे भाग जाओ, जैसा कि आपका मंडे को है, फ्राइडे को सॉरी थर्सडे को हैवल में हुआ, ठीक है, जबकि हमने एंड ऑफ द डे उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो वेट करना है अपनी एंट्री का, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो चलिए आज का स्टॉक फिर से बता देता हूं, यह है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट काफी अच्छा मुझे लग रहा है, और अगर मैं इसको वन डे के बेसिस पे देखता हूं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्रेकआउट यहां पे आने वाला है, अगर मार्केट पॉजिटिव रही तो। लेकिन मार्केट पॉजिटिव रहे या ना रहे, हम इसके अंदर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाइंग करेंगे। तो चलिए 1 मिनट के ऊपर आपको सारा चार्ट एनालिसिस मैं यहां पे बता देता हूं। मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरा टेक्निकल कहता है कि ये स्टॉक कहां ओपन होना चाहिए, वेट करते हैं। चलिए देखिए, हम डाउन से शुरू करेंगे ताकि टारगेट ऊपर के बन सके। मेरे हिसाब से ये स्टॉक नियर अराउंड 469 पे ओपन होना चाहिए यहां पे, और डाउन जाना चाहिए 465 पे। आफ्टर दैट इसको अप जाना चाहिए, थोड़ा यहां पे सर्कुलेट करना चाहिए, और अगर ये इस तरह का एक ट्रेंड बनाता है, सपोर्ट बनाते बनाते, यानी कि अगर तो एकदम से ऊपर निकल गया, हाई तोड़ दिया, तो हम एंट्री नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे इसका। अगर एकदम से ऊपर चला गया, वेट करेंगे इसका नीचे आने का, और जब दोबारा ऊपर जाएगा तब हम एंट्री लेंगे, जल्दी नहीं करनी है। बट अगर ये कंडीशन नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक यहां ओपन हुआ, नीचे आया और यहां पे आकर थोड़ी देर टिकता है, टिकने के बाद ये ऊपर जाता है, तो आप लोग यहीं पे एंट्री ले सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से क्लियर कर दूं, स्टॉक ओपनिंग नियर 469 एंड ही विल बी टच 465.40, देन द बाउंस बैक विल कम टू नियर 469 रुपीज, ठीक है। तो यहां तक जब आएगा आप एंट्री लेंगे, आपका फर्स्ट टारगेट होगा 475.70 का, सेकंड टारगेट होगा 478.5 का। यहां पे स्टॉक कुछ देर सर्कुलेट कर सकता है, आप लोग अपना स्टॉप लॉस यहीं पे लगा दोगे। अगर स्टॉक यहां पहुंच जाता है, जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो कर सकते हैं, आपको यहां पे 4 रुपए की मूवमेंट मिल चुकी है, स्टॉप लॉस आपका बराबर ही बनेगा 465 का, या फिर जब स्टॉक इसको क्रॉस करता है तो आप थोड़ा इसके हाफ में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते, यानी कि 467 के करीब। अब यहां से स्टॉक आपको सेकंड टारगेट देगा 484 का, 489 का, और फिर जाके कहीं आपको 491, 498। ऊपर वाले जो टारगेट हैं वो मैं आपके साथ क्लियर करूंगा जब हम ऊपर के लेवल की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा वेट करो। देखो अगर स्टॉक ज्यादा डाउन साइड ओपनिंग दे देता है, मार्केट नेगेटिव ओपन होती है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को 450 पे ओपन होना चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबल है डाउन साइड 445 से लेके 446 के बीच में। यहां से जब भी ये हाई मारेगा, स्ट्रेटेजी वही, थोड़ी देर सर्कुलेट करे और उसके बाद हाई मारे, तब हमको एंट्री लेनी है। डायरेक्ट चला जाएगा तो हमको एंट्री नहीं लेनी, वापिस आएगा 450 पे, और दोबारा जब हाई मारेगा सेकंड वाला, तब हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस हम यही डाल देंगे। जब इस तरह का ट्रेड बनता है ना, जब हम थर्ड टाइम पे एंट्री लेते हैं, तो तब हम लोग यहां पे वेट करते हैं, ये वाला स्टॉप लॉस डालते हैं, सॉरी, ठीक है।
तो ये सबसे लोअर लेवल है जो मेरे को लगता है ओपनिंग दे सकता है, ठीक है, बाइंग साइड। तो यानी कि आप लोग 446 के 444 के बीच में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, 450.80 के बीच में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, 465 से लेके 469 के बीच में बाय कर सकते हो। तो ये कुछ लेवल्स हैं, अगर आपको स्टॉक ऊपर से गिरता हुआ नीचे आता है तो ये लेवल्स हैं जहां पे बाइंग बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा और ऊपर के लेवल की कि ये कहां ओपन हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का वही प्लेटफॉर्म है जो मैंने ओपन किया हुआ है। तो देखो, अगर ये स्टॉक बाय डिफॉल्ट 475 से लेके 478 के बीच में ओपन होता है तो डाउन जाएगा 469, आपको जाने देना है, आपको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। रिटर्न जब ऊपर आता है और 478 को क्रॉस करता है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहां पे एंट्री ले सकते हो। ये काफी अच्छा लेवल है, अगर आपको फटाफट से यहां पे मिल जाता है तो आप एंट्री ले सकते हो। अगर कुछ लोगों को वेट करना है तो वेट भी कर सकते हो थर्ड एंट्री के लिए। यहां से आपका पहला टारगेट होगा 484 का, सेकेंड टारगेट 489 से 490 का, अगला टारगेट होगा 493.3 का, और सेकंड उसके बाद टारगेट होगा 496.85 का, ठीक है। अगर स्टॉक इससे भी ऊपर ओपन होता है तो मेरे को लगता है कि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो 490 के बीच में है। 490 से डाउन जाने दीजिए, कोई लेना देना नहीं है। आफ्टर दैट जब ये इसके हाई को तोड़ देता है, जो भी इसका हाई होगा यहां पे जब तोड़ेगा तो आपको नियर अराउंड, याद रखिए, ये 490 के बीच में ओपनिंग दे सकता है। तो जैसे ही हाई तोड़ेगा तो पहला टारगेट 493 का, 496 का, जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, जो भी उसका लो होता है, या तो वो डाल दो या फिर जो इसने हाई तोड़ा होता है इसका जो ओपन ओपन की कैंडल होती है वहां पे भी डाल सकते हो, यानी कि ये लेवल का भी आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से 496 और 502 का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अगर स्टॉक इससे भी ज्यादा ऊपर की ओपनिंग देता है तो क्या करना है उस केस में। देखिए, अगर स्टॉक इससे भी ऊपर ओपन होता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक को जो ओपनिंग है वो आपको 506 से 502 के बीच में देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा जूम कम करते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे क्या होता है कि जूम कम करके ही बात बनेगी, लेकिन ये जूम कम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इधर ले चलते हैं हम इसको फिर। हे गाइस, चलिए मैंने थोड़ी वीडियो कट कर दी है और आपको जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे मैंने 15 मिनट के ऊपर बता रहा हूँ, लेकिन आपको वर्क 1 मिनट पे ही करना है। तो थोड़ा सा ना आप लोग यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे ड्रॉइंग नहीं ड्रॉ करवाऊंगा। तो देखिए, ये मैक्सिमम 506 से 508 के, 507, ये 509 से 506 के बीच में ओपनिंग दे सकता है, वहां से डाउनसाइड आएगा 503, याद रखना, ठीक है। जैसे ही ये वाला लेवल क्रॉस करेगा, 508 का हाई मारेगा, तो आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 512.75, सेकंड टारगेट मिलेगा 517 और उसके ऊपर मिलेगा 520, और फिर आपको टारगेट देखने को मिल जाएगा 524 और उसके बाद मिलेगा 529 से 530, मैक्सिमम टारगेट 539 से लेके 541 के बीच में है। तो जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, उनको नोट कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा वेबसाइट के ऊपर भी डालने की, तो आप इन लेवल्स को नोट करके रखिए और इसी लेवल पे ट्रेड करना है जो लेवल्स आपको बताए हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।